बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मई सन 2009 बरोज मंगल गखड़ मंडी में हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर साहब मरहूम की मौत बसूरत इखराज रूह वाक़िया हुई और हज़रत का जनाजा गखड़ मंडी में गवर्नमेंट DC हाई स्कूल नंबर 2 में अदा किया गया। जनाजे में उलमाए किराम ने तकारीर में जमीयत इशादु तौहीद व सुन्ना और उनके अकाबरीन के मुतल्लिक इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल शुरू की। हालांकि जिन हज़रत का जनाजा पढ़ा जा रहा था वही हज़रत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह कच्ची पम वाली मुजाहिद पूरा अक्सर औकात उनके पास हाजिर होते थे और उनकी औलाद का भी यही शेवा था। और जब वो काजी साहब और जमीयत इशातु तौहीद व सुन्ना के मुतल्लिक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे तो साथ दलील और शाहिद ये बना रहे थे कि हज़रत हमें देख भी रहे हैं, हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। आज तक तो मुफस्सरीन इकराम की इबारात असातज़ा की तालीम से हमने तो यही समझा कि यहूद और ईसाइयों ने नेक लोगों की कब्रों पर सजदा उस वक्त शुरू किया कि जब उन्होंने ये एतकाद बना लिया कि अब हम इनकी कब्रों पर आए हैं, ये हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारे हालात से वाकिफ हैं, कौन हमारी कब्र पर आया, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो फिर उन्होंने सजदे शुरू कर दिए। और आफरीन है इन अहले इलम पर, इन्होंने तो तदफीन का भी इंतज़ार नहीं किया और पहले ही शुरू कर दिए एतकाद बयान करने। और किसकी आड़ में कि अहले सुन्नत वल जमात के ये एतकाद है, ये अकीदा है कि हज़रत हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हालांकि अल्लाह की कसम मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ और जो भी आदमी हज़रत की अलालत के ज़माना में उनकी तिमारदारी के लिए जाता था तो गुफ्तगू करता था तो बीसियों मरतबा हज़रत फरमाते थे दोबारा बात करें, मैंने सुना नहीं है। तो जब जिंदा थे रूह मौजूद थी तो वो नहीं सुनते थे, अब रूह प्रवास करके चली गई, कहाँ चली गई, जैसा कि अहसनुल कलाम में उन्होंने बयान किया कि नेक लोगों की अंबिया की अरवाह आसमानों पर होती हैं, कुरान पाक सुन्नत मशहूरा और मुतवातिरा और पूरी उम्मत का इजमा है कि रूहें वहां चली जाती हैं। तो हजरत की रूह वहां चली गई और अब ये कह रहे हैं कि सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उसके बाद 28 मई बरोज जुमेरात हजरत के ही मदरसा नुसरत उलूम जहां उन्होंने अपनी जिंदगी तदरीसी मैदान में वक्फ की, उनके लिए ताजीती इजलास मुनाकद किया गया। अब चाहिए तो ये था कि हजरत के इल्मी कारनामे तदरीसी खिदमात को का आगाह किया जाता लोगों को, लेकिन बजाय लोगों को उनको तदरीसी खिदमात से आगाह करने के मौलवियों को बुलाया गया कि जमीयत इशाद तौहीद व सुन्ना पर कीचड़ उछाला जाए, उनके मुतल्लिक गलीज और गलत जबान और बाजारी जुबान इस्तेमाल की जाए। तो उसके लिए मौलवी अताउर रहमान शहबाज साहब, मैंने तो यकीन फरमाए पहली दफा नाम सुना अल्लाह की कसम, तो उन्होंने जमीयत के तमाम अकाबिर और ख़ास तौर पर शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अली नीलवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और जमीयत इशातु तौहीद व सुन्ना पंजाब के अमीर हज़रत मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब के मुतल्लिक ऐसी गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की जिसका नतीजा लानत पर उन्होंने ख़त्म किया और अवाम को भी उबारा कि कहें लानत लानत लानत। हालांकि लानत तो मुसलमान पर नहीं होती, लानत का मतलब क्या है, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। और हालांकि इन अकाबिर की जिनके मुतल्लक ये जुबान इस्तेमाल करते हैं, इन अकाबिर के जो उस्ताद हैं काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीर मौलाना की किताबों में मौजूद है, उन्होंने क्या वहां कलिमात इस्तेमाल किए, लानत का कैसे इस्तेमाल किया, आप देख किताब यहाँ।
एक और जालिम मोहम्मद हुसैन नीलवी अमीर बंदियालवी कालवी मैं कुछ नहीं आख्या न्याणे आखते ने लालती मैं कुछ नहीं आख्या न्याणे आखते ने लालती तुम जलसे सुनो जा क्या तुम उनके पास बैठो उनके साथ बैठकर खाने खाओ खाओ उनके साथ बैठकर पेट बड़े करो अपने कहो हां मैं ते जी अताला बंदियालवी दे नाल बैठा हूं देवबंदी है हम देवबंदी हैं तेरे देवबंदी होण ते लानत करांगा फिर ये तू देवबंदी है हम देवबंदी हैं तेरे देवबंदी होण ते लानत करांगा बोलो ये देवबंदी है ये देवबंदियों के नाम पर दाग है आज के बाद अगर कोई बंदा इनको देवबंदी कहेगा क्यों है देवबंदी तू देवबंदी तो नहीं आखेगा है ये देवबंदी बोलो ये देवबंदी ये गंदी है देवबंदी नहीं ये गंदी है उत्तों गंदे बिचों गंदे कुंज काली चंज काली ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੋ ਓ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਤੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੋ ਓ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਤੀ ਤੂੰ ਮਰ ਸਹੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਤਵਫਲ ਲਦੀਨਾ ਕਾਫਰੁਲ ਮਲਾਇਕਾਤਾ तेरे ते वाद और मैं पंजाबी जो कुछ नहीं ए हजरत साहब वास्ते छड़दा बाखर दावा ना आपने मुलाजा कर लिया इस तूफान बदतमीजी के बाद जमीयत इशात तौहीद व सुन्ना के जिली अमीर मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना नसरुल्लाह राशिद साहब के हुक्म पर दारुल उलूम हुदैबिया शाहूपुरा मोड़ पर हंगामी मीटिंग तय की गई जिसमें जमीयत इशात तौहीद व सुन्ना गुजरांवाला के तमाम जय्यद उलमा ने शिरकत की खसूसी तौर पर मडियाला तेगा से हजरत उस्ताजी मुकर्रम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान फारूकी साहब नुशहरा विरका से हजरत मौलाना शहाबुद्दीन खालदी साहब हजरत मौलाना तारक अजीज बाजवा साहब जबकि किला दीदार सिंह से हजरत मौलाना अताउल मोहसिन साहब जबकि गुजरांवाला शहर से जमीयत इशात तौहीद व सुन्ना के बुजुर्ग और जय्यद आलिम हजरत हाफिज मोहम्मद असलम साहेब काजी अताउल्ला साहेब हजरत मौलाना अकरम हिचकी साहब उस्ताज़ मुकर्रम मोहम्मद अशरफ सलीम साहब ने शिरकत